ये बिल की चीजें हैं और ये हाँ 10 किलो चीनी है, एक रूह अफ़ज़ा की बोतल है और बाकी टैंग वगैरह है, लेमन वाले भी हैं। ये तुम लेके जाओ ना, फिर उससे पहले जुलूस निकल जाए, मैं फिर थोड़ी सी रेडी हो आपको बताऊँ। 10 11 बजे तक उन्होंने जुलूस के लिए ना निकल जाना है। इसको लेके जाओ नुमा सारे, मैं वहाँ पे तैयार करूँ। ठीक है ठीक है, तुम आ जाना। मैं A few moments later. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द सिबलिंग्स फॉर स्टोरीज। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अभी मैं लेट हो रही हूँ, मैंने जाना है। कल ही मैंने सोचा था कि यार से बिल देनी है, तो भाई को मैंने बोला चीज़ें मंगवा रही थी, जैसे कि मैंने आपको दिखा दी हैं। और भाई उधर चीज़ें रेडी कर रहे, क्योंकि 10:30 बजे जुलूस निकलना है और उधर हो रहे हैं, और अभी 10:25 हो गए। ठीक है, आपको भी साथ साथ दिखाती हूँ। आई गेस सो लेट तो हम हो गए हैं, वहाँ जाके पता चलेगा कि बोरिंग का पानी है। अच्छा, ये बोरिंग का पानी है, ठंडा बिल्कुल साफ सुथरा पानी है, इसलिए इधर से भरा जा रहा है। चलो डालो डालो डालो। पानी इतना बढ़िया है, अभी काफ़ी है ना पानी का। अब क्यों क्योंकि उसको मिक्स करेंगे ना, फिर उसके बाद उसको पानी डालेंगे। अच्छा पानी पानी साइड में कर दो। पहले मैंगो ना डाले, हाँ ये ऑयल डाल दें। देख मैं ये चावल डाल देना, मैंगो वाला फिर अभी फटाऊंगा ना, फिर आखिरी स्टेप पे आप करेंगे तो ये तो मिलेंगे, फिर उसके रखते में बैठ जाएगा। ठीक है, लेमन वाले डालने हैं ना, ये शबद वाले। हाँ सिर्फ लेमन वाले डालना, हटाते जाओ ना, वो डालो ना, वो डालो ना, अभी डाल दो। ठीक है, करके डालो थोड़ा। आज बंदे कम है लेकिन ये है कि कर लेंगे इंशाल्लाह। कल जो मैंने करवाई थी ना स्पील, उसमें थे बच्चे छच्चे साथ। इतना बीमार है, शरबत वगैरह रेडी हो गया, पीछे इतना शोर है, शरबत वगैरह रेडी हो गया और बर्फ लेने गए हुए हैं। जा रहे हैं वहाँ पर, वो है हमारी जगह जहाँ पर होगा। और ये अमना भी आ गई हैं, मरी मुक्की, इनका तो बस काम ही सोना है। आपको जैसे कि आप सबको पता है कि ये हर वक्त सोती रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द सिबलिंग स्क्वाड। इधर आवाज़ नहीं आ रही होगी भाई की। आ रही होगी, मेरी आवाज़ है ना फोन जाती है। फला इतना लेजी व्लॉग का वो कर रही हो ना, तो सबको देख के ज़रूर नींद आ गई होगी, उनको पता है। अरे मैंने इनसे अभी शिया सुनने वाली बात नहीं की, अब पहले तो ये शुरू होगा अब शिया हैं। इवन मैंने इंस्टा पर एक स्टोरी लगाई थी तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि आप शिया हैं। शिया सिर्फ ये सिर्फ शिया कम्युनिटी का एक वो नहीं है, गम नहीं है। 10वीं मुहर्रम को आपको सबको पता है कि क्या हुआ है, हर मुसलमान मुसलमानों को भी छोड़ें, आप इंसान हैं। उस वक्त जो सब कुछ हुआ था वो एक इंसान भी सुने ना, बेशक वो मुसलमान ना हो तो दुख ज़रूर होता है, गम ज़रूर होता है। सिर्फ ये देखें वो कैसे शहीद हुए, उसके लिए हम सभी हाँ, दे रहे हैं। हाँ अगर हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत करना है, शियाओं का काम है, तो ठीक है हम भी शिया हैं। हाँ। क्योंकि मोहब्बत उनसे सब करते थे, इवन हर मुसलमान ऐसा ही है। तो इस वजह से हमें हम ये 9वें 10वें को सबील देते हैं, हम न्याज देते हैं और दुआ करते हैं। शिया नहीं हूँ मैं, मुसलमान हूँ,
सुन्नी हूँ, अगर अफ्रीका आप लोगों ने बना ही लिया तो मैं सुन्नी हूँ, बट ये तो सवाब का काम है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, हमने बांट दी सारी, ख़त्म हो गई है, अब हम घर जा रहे हैं। तो भी नवाज है, देख बनाएंगे खुद, बहुत गर्मी है, हर चीज़ की इतनी गर्मी है ना कि सीधा सुबह छत पर है, और मतलब मेरे तो सर में से धुआं निकल रहे हैं, धुएँ। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज मामा बांट दिया हो गया। हाँ मीन An hour later. अच्छा, डेढ़ दो घंटे का रेस्ट हो गया हमारा, बट उसमें ये हुआ ही है कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, इट के अल्लाह माफ़ करे, जाने की। जो देख बनानी थी उसका काम तकरीबन मेरे ख्याल से हो गया है, वे जाते हैं अपने नेक्स्ट काम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, अरे सगा वाला, मैं बस सुबह से उठी हुई थी और जब से बिल का टाइम गई हूँ ना, तो वो पीक पे जैसे गर्मी नहीं आती, बहुत ज्यादा गर्मी थी, और जब मैंने भी देख रखी एकदम से हवा शुरू हो गई, पहले इतनी गर्मी थी कि मैं सोच रही कैसे बनेगी। मुझे हालांकि मतलब पहले अहमद उठाने आया, फिर पता नहीं किसने उठाया, फिर मुकद्दस आई है मेरे ख्याल से, मुकद्दस हैदर को उठाया हुआ था उसने फुल्ला, जिस टाइम मैंने सबील दिया ना उस टाइम ऐसे सर पे सूरज था, सुबह के 10 बजे के हम उधर गए हुए थे, और आज सबील ख़त्म ही नहीं हो रही थी, वो 2.5 घंटे हो गए, ऐसे लग रहा था सबील ही ख़त्म नहीं हो रही। किधर है मुकद्दस, किधर है? अभी तो चावल इधर हुआ। हाँ क्या रेम, तुझे बताया उन्होंने 1.25 किलो, उन्होंने क्या बनाना क्या बताया, जाके समर आंटी से पूछ ले, उनको पता होगा। चिकन ने उनको बोला है उन्होंने लाने के लिए, पूछ मुझसे रहे, मैं सो के भी उठी हूँ। हाँ चावल दिखाने जा रहे हैं हम, खाऊं? नहीं नहीं अभी पानी निकाल दूंगी। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम सलाम, मेहमाना है क्या मेहमाना है, क्या कर रहे हो, गर्मी बहुत हुई है। चनो वाले चावल, जिसकी खुशबू से भूख लग गई है। लग गया दम पे, और जो दम पे लगे तो ऐसे कर तब करते हैं ऐसे, जो जैसे ये ऊपर जो रखते हैं, हाँ। दम दम रखते हैं मगर प्रोफेशनल ही रखते हैं। एक काम किया हल्का, उसका भी जर्दे का रंग हाथों पे ऐसे लगा लिया जैसे मैंने हाथों से जर्दे का रंग डाला है। हिम्मत है कसम से, बहुत बेशक मौसम अच्छा हो गया, लेकिन फिर भी जो आग की वजह से मुँह का हाल होता है ना, और पाँवों का,
गॉड, इसको गाइस दम खोलते हैं, अब उसके बाद बांटते हैं। नहीं नहीं, मैं खुद ही उठाती हूँ। मैंने बांध रही है सर। हाँ हाँ, बांध रही ऐसे, एकदम स्टीम लगेगी ऐसे ऊपर से। हाँ, गिर तो नहीं जाएगी? नहीं नहीं, देखना गिर जाए। हो गया ना, बुला उसे, फिर इसको ऐसे नीचे रख के सो दो। खाए सुबह चुकू और लेना पानी। शॉपर है ना बेटा, शॉपर अगर उसमें डाल के डाल दें। अच्छा, ये जो सारे ये बॉक्सेस रेडी हो रहे हैं, ये सारे हम जुलूस में जाते हैं, ये जुलूस में बांटे जाते हैं। पैक कर दिए हैं जो सारे जुलूस में जाने थे, वो सारे हमने एक बोरी में पैक कर दिए, वो वहाँ जाएंगे। ये देखें जी, अब हम बांटने जा रहे हैं। ये रहे पहला, उसके बाद पेपर्स, ये अभी हमारे साथ चले बांटने। पहले घर में पकड़ा दिया तो अब आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। A few minutes later। मम्मा मेरी थक गई। मैंने थकी सारा दिन हो गया, काम काम काम। पहले भी सुबह बर्तन धोया, आज काम वाली नहीं आई, सारा दिन मैंने बर्तन धोए, फिर मैंने वाला काम ज़्यादा मुश्किल है। सब काम मुश्किल है बेटा, कोई काम आसान नहीं होता। गाइस, ये था व्लॉग आज का, और बांट छांट के आए अभी एक दो तीन जगह, तीन चार जगह, और उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा तो क्या ही लगेगा, 10 घरों का व्लॉग है। अल्लाह ताला न्याज और जो भी न्याज वगैरह सबील वगैरह के वो कबूल फरमाए। व्लॉग को हम यहाँ पर एंड करें, उम्मीद हमारे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें, और ये हम सब का है, हर मुसलमान का है, शिया सुन्नी वाला इसमें कोई चैप्टर नहीं है। सबको न्याज करनी चाहिए जो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।